भारत की राजधानी दिल्ली एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ की प्लेसेस एक्सप्लोर करने के बाद आप इसके आसपास स्थित कुछ बेहतरीन जगहों पे भी जा सकते हैं। और ये सारी प्लेसेस दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर एरिया के अंडर में है, जो आपके लिए एक परफेक्ट वीकेंड गेटअवे बन सकता है। इन प्लेसेस पर आप बाय बस और अपनी कार के थ्रू जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ प्लेसेस के बारे में। दिल्ली से 160 किलोमीटर की दूरी पर अलवर राजस्थान राज्य में अलवर जिले का एक शहर और प्रशासनिक मुख्यालय है। अलवर राष्ट्रीय राजधानी NCR का हिस्सा है। ये दिल्ली के पास लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। अलवर अरावली पर्वतमाला की छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच स्थित है और इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। इसकी स्थापना 1049 में महाराजा अलग राज ने की थी। यहाँ पर काफी समय तक राजपूतों ने शासन किया। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में यहाँ पर दिल्ली के सुल्तानों ने अपना राज जमाया। वहीं भरतपुर के मराठों और जाटों ने भी इस क्षेत्र पर बहुत कम समय के लिए शासन किया। यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं अलवर किला या बाला किला, सिटी पैलेस, विजय मंदिर पैलेस, सिली सेड़ झील और पैलेस, मूसी महारानी की छतरी, गवर्नमेंट म्यूजियम, फतेह जंग का मकबरा और नालदेश्वर अलवर में बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व पार्क राजस्थान के अलवर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर अरावली पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ आने के लिए सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट दिल्ली का है, जो यहाँ से 142 किलोमीटर की दूरी पर है। और बाय रेल अगर आप आना चाहें तो आप दिल्ली, जयपुर, अजमेर, हरिद्वार, जोधपुर, अहमदाबाद, अमृतसर और अन्य बड़े शहरों से आप अलवर आसानी से पहुँच सकते हैं। और ये जयपुर, आगरा, अजमेर, दिल्ली, मथुरा और वृंदावन से सड़क मार्ग द्वारा भी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर घूमने के लिए सबसे अच्छा समय रहता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। दिल्ली से 51 किलोमीटर और गुड़गांव से 25 किलोमीटर की दूरी पर दमदमा झील हरियाणा के गुड़गांव जिले में सोहना के पास एक नेचुरल लेक है और गुड़गांव आने वाले टूरिस्ट के बीच ये काफी लोकप्रिय है। अरावली पहाड़ियों के पास स्थित ये झील 3000 एकड़ क्षेत्रफल के साथ हरियाणा की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। इस झील का निर्माण सन 1947 में अंग्रेजों द्वारा एक पत्थर और मिट्टी के बांध के निर्माण से हुआ। मानसून के दौरान यहाँ का जल स्तर 50 फीट से 70 फीट तक पहुँच जाता है। यहाँ पर कई एक्टिविटीज होती हैं। यहाँ की लेक पे आप बोटिंग कर सकते हैं, पैरा सेलिंग कर सकते हैं, इसके साथ ही आप यहाँ पर कायाकिंग भी कर सकते हैं। इस झील को देखने का सबसे अच्छा मंथ अक्टूबर से लेकर मार्च तक का रहता है और यहाँ पर आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक जा सकते हैं। दिल्ली से लगभग 121 किलोमीटर, अलवर से 72 किलोमीटर और जयपुर से 147 किलोमीटर की दूरी पर नीमराना राजस्थान में अलवर जिले में दिल्ली जयपुर राजमार्ग या हाईवे पर स्थित एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर है। ये बहरोड और शाहजहांपुर के बीच स्थित है और एक दिन की यात्रा के लिए दिल्ली, जयपुर, नोएडा और गुड़गांव के पास घूमने के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। नीमराना शहर अपने शानदार नीमराना फोर्ट पैलेस के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण सन 1464 में किया गया था और इस पर 1947 तक चौहानों का कब्जा रहा। नीमराना पृथ्वीराज चौहान तृतीय के वंशजों की तीसरी राजधानी बन गया। 1775 में जब अलवर रियासत की स्थापना हुई तब इसे राजपूतों के पास वापस लौटने से पहले मुगलों और जाटों ने जीत लिया था। ये एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और आप यहाँ पर आसपास की घाटियों के शानदार दृश्य देख सकते हैं। नीमराना पैलेस की पूरी संपत्ति 25 एकड़ भूमि में फैली हुई है, जबकि 10 मंजिला महल 3 एकड़ भूमि में बना है। वर्ष 1986 में इस महल का रेनोवेशन किया गया और इसे एक होटल में बदल दिया गया। अब ये राजस्थान के सबसे पुराने हेरिटेज लग्जरी होटल्स में से एक है और यहाँ के टाइमिंग से सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक। यहाँ की एंट्री फी है 2000 पर पर्सन, जिसमें बुफे लंच इंक्लूडेड होता है। मथुरा आगरा के पास स्थित एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है और दिल्ली के पास घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक। मथुरा हिंदुओं द्वारा पवित्र माने जाने वाले 7 शहरों में से एक है। दिल्ली के लोकप्रिय वीकेंड गेटअवे में से एक है। मथुरा यमुना नदी के तट पर स्थित है और ये भगवान कृष्ण की पवित्र भूमि है। इस पवित्र भूमि पर ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहाँ की सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है श्री कृष्ण जन्मभूमि। होली और जन्माष्टमी मथुरा में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार हैं। होली का त्यौहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को इस शहर की ओर आकर्षित करता है। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट आगरा में है, जो यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, पौंडीचेरी, विजाग, देहरादून और अन्य बड़े शहरों से रेल के माध्यम से वेल कनेक्टेड है। दिल्ली से 155 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित एक पवित्र शहर जिसे वृंदावन कहते हैं। 2 दिन की वीकेंड गेटअवे यात्रा के लिए दिल्ली के पास घूमने के लिए पवित्र स्थानों में से एक है।
वृंदावन हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल और देश के सबसे पुराने शहरों में से एक है। पवित्र शहर वृंदावन का हिंदू भगवान कृष्ण से जुड़ा एक बहुत समृद्ध इतिहास है। यहीं पर भगवान कृष्ण ने अपने बचपन का अधिकतर समय बिताया था। भगवान कृष्ण के महान भक्त चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन को फिर से खोजने का श्रेय दिया जाता है। यहाँ के सबसे लोकप्रिय धार्मिक पर्यटन स्थल हैं रंगजी मंदिर, गोविंद देव मंदिर, यहाँ का इस्कॉन मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, और इस शहर में लगभग 4,000 से 5,000 मंदिर हैं जो राधा और कृष्ण को समर्पित हैं। यहाँ आने के लिए सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट आगरा एयरपोर्ट है, जो यहाँ से 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन मथुरा प्रमुख रेलवे स्टेशन है जो यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर आप दिल्ली से बाय बस या अपनी कार के थ्रू भी आ सकते हैं। दिल्ली से 195 किलोमीटर की दूरी पर सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले के सरिस्का में स्थित एक लोकप्रिय नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ रिजर्व है। सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत के प्रमुख नेशनल पार्क्स में से एक है। इसे 1955 में वाइल्ड लाइफ रिजर्व बनाया गया और 1978 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। सरिस्का देश के 28 टाइगर रिजर्व में से एक है और ये 850 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका मुख्य क्षेत्र लगभग 500 वर्ग किलोमीटर का है। पार्क के चारों ओर अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इस टाइगर रिजर्व में रॉयल बंगाल टाइगर्स के साथ साथ वन्य जीवों की कई प्रजातियां जैसे तेंदुआ, जंगली बिल्ली, कैरकल, धारीदार लकड़बग्गा या हाइना, भारतीय सियार और जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है। इस पार्क को एक्सप्लोर करने का सबसे अच्छा तरीका है जीप सफारी के थ्रू, जिसकी व्यवस्था जयपुर रोड पर वन रिसेप्शन कार्यालय में की जा सकती है। निजी वाहनों को रिजर्व के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वे सवारी के लिए महल से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व घूमने का सबसे अच्छा समय है नवंबर से लेकर मार्च तक, और मानसून के समय यानी जुलाई से लेकर सितंबर तक ये टाइगर रिजर्व बंद रहता है। यहाँ के सफारी के टाइमिंग से सुबह 6:30 से सुबह 9 और दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। दिल्ली से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर बरसाना उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक पवित्र शहर है। बरसाना दिल्ली के निकट प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक है। ये जगह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। कहा जाता है कि ये चार पहाड़ियां ब्रह्मा के चार सिरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए ब्रह्मा और सरीन यानी सिर से ये नाम बनता है। सभी चार पहाड़ियों पर भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित मंदिर है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर है, जिसे लाडली जी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे सन 1675 में ओरछा के राजा बीर सिंह जू देव ने बनवाया था। बरसाना अपनी लठमार होली के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बरसाना में मुख्य उत्सव लाडली जी मंदिर में होता है, जो श्री राधा रानी को समर्पित है। दिल्ली से 84 किलोमीटर की दूरी पर कुचेसर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का एक छोटा सा गांव है। कुचेसर दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव से एक आदर्श वीकेंड गेटअवे की छुट्टी के लिए एक परफेक्ट स्थान है। कुचेसर को जाट शासकों द्वारा निर्मित कुचेसर किले के लिए जाना जाता है, जिसे राव राज विलास के नाम से भी जाना जाता है। किला 18वीं शताब्दी के मध्य में जाट शासकों द्वारा बनाया गया था और ये 100 एकड़ के आम के बगीचे से घिरा हुआ है। 1740 के दौरान जाट मजबूत सैन्य शक्ति बन गए। कुचेसर किला 18वीं शताब्दी में अजीत सिंह के कब्जे में आया, जब मुगल सम्राट नजीब उद दौला ने जाट परिवार को राव बहादुर की उपाधि और 360 गांव वाले कुचेसर की जागीर प्रदान की थी। कुचेसर के मिट्टी के किले पर 1763 में कब्जा किया गया, लेकिन 1782 तक जाट शासकों ने इसे पुनः प्राप्त कर लिया और 1807 में ब्रिटिशों द्वारा इस पर कब्जा करने तक ये उनके नियंत्रण में था। औपनिवेशिक शैली में बने घर के एक हिस्से में फिलहाल शाही परिवार रहता है। इसके अलावा दिल्ली के पास स्थित ऊंचा गांव बेलौन और गढ़ मुक्तेश्वर जैसी शानदार जगहों पे भी जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।